दुनिया, पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, पाठ 5। हमने इसका भावार्थ करवाया था, आज हम इसकी व्याख्या करवाएंगे। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित होता है। मानव सभ्यता के विकास में इन्हीं पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई। पत्रों का भाव सब जगह एक सा था, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जावू और लेख तथा तमिल में काड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई और संदेह नहीं। हर एक को अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों को अपना दायरा, हर एक पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे की तलाश से तमाम ठिकानों तक पहुँचते हैं। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितने अहमियत रखते हैं हमारे लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े कर रहे हैं, उसके बाद पहिए आए, फिर रेलवे और तार से भारी बदलाव आए। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन में एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र का लेखन के विषय को भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में भी ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ से अपनी ओर काफ़ी प्रयास किए गए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों ने पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजन करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्र को आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी से रोका, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, आप बारीकी से उसकी तरह जाएं तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो कभी किसी को पत्र ना लिखा ना लिखवाया हो। पत्र को बेसब्री से जिस सिर इंतज़ार ना किया हो, हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीना इंतज़ार करते, अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी थी, पर आज साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर संजो कर विरासत के रूप में रखें, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान इनकी पत्र रचनाएँ अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते हैं तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते और तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते तो देश करोड़ के लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार धरोहर है उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रकारों को अनूठा संकलन भी है। तमाम तत्पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखने आते थे। वहाँ जहाँ भी रहते वहाँ पत्र पहुँच जाते। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। गांधी जी के
पास देश की दुनिया के सबसे बड़े संख्या में पत्र पहुंचने थे, परंतु पत्रों पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई भी जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता तो उसी समय पत्र का जवाब देने बैठ जाते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते और पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। पंत के 200 पत्र बच्चन और नाम निराला के पत्रों को हम लिखियो है कहा। पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत ही प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत ही मुस्तैद रहते थे। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915-1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता था। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी थी, पर इसकी असली विकास आज़ादी के बाद हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो, फिर झोपड़पट्टियों में रह गए लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव, या फिर बर्फबारी के बीच जो पहाड़ों के लिए लोग समुंदर तट के मछुआरे हों, फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करता होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों दरवाज़ों तक पहुंच जाते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात के लोग गरीबों घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था में ही जलाते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुँचने वाला डाकिया एक देवदूत से कम नहीं होता। अरविंद कुमार जी का यह पाठ आप कैसा लगा, आप खुद पढ़ एक बार खुद भी पढ़ के देखिए।